वेलकम बैक। आपको बताएं कि सर्दियों की छुट्टी से पहले निजी स्कूल ने बच्चों को अलविदा कहने के लिए मुनफरिद एक्टिविटी का अहतमाम किया, जिसमें बच्चों को ना सिर्फ सर्दियों से मुतालिक सरगर्मियों का हिस्सा बनाया गया बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर भी उन्हें बताया गया, अवेयर किया गया, मालूमात उन्हें फराहम की। बहुत अच्छी बात है। इस पे ज़ीनत ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। सर्दियों की छुट्टियों से कबल बच्चों की प्लानिंग्स तो जारी हैं, लेकिन साथ साथ स्कूल्स की जानिब से भी बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का अहतमाम किया गया है। ये एक्टिविटीज़ है क्या, आइए आपको भी दिखाते हैं। नानी के घर भी जाऊंगा और घूमने भी जाऊंगा। बाहर जाऊंगी, नानी के घर जाऊंगी, बाहर जाऊंगी और शॉपिंग करने जाऊंगी। अपने लिए नए क्लोज लूंगी और अच्छे अच्छे स्वेटर। वैसे हर सैटरडे संडे पर हम लोग जाते हैं, मगर अभी काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये स्पेशली खासतौर नानी के घर में जो होता है, बच्चे को खुद इनक्रेज करना चाहिए इन सब एक्टिविटीज़ में। पढ़ाई तो जाहिर है वो तो होती रहेगी आगे, वो तो कभी ख़त्म नहीं होनी, मगर ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। I'm gonna buy some sweaters, some hats, some gloves, like winter things. And I'm very excited to do all of the activities and exercises in my science book. And I'm going to explore the world. थ्रूआउट द डे एंगेज रखना, इट्स अ वेरी बिग टास्क, यू नो, एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क। और यहाँ मैं मतलब बोलूँगी कि हैट्स ऑफ टू ऑल टीचर्स कि वो इस तरह के नॉटी नॉटी बच्चों को एंगेज रखती हैं और हैप्पी रखती हैं। परेशान तो खैर सारे बच्चे करते हैं, हमने भी छोटे होते हुए वीव डन द थिंग्स एज वेल। तो या इट हैपेंस कि वहाँ बच्चे थोड़े घर में होते हैं तो एक रौनक होती है और थोड़ी रौनक बढ़ जाती है। अब मेरा प्लान था हम लोग जाएंगे लाहौर, पर सिर्फ इतनी कम दिनों की छुट्टियां मिली कि हमने कहा चलें हम लोग कराची को एंजॉय कर लेंगे। ऑन द लास्ट ईयर आई एंजॉय द विंटर वेकेशन द मोस्ट बिकॉज आई वेंट टू द सी साइड एंड आई परफॉर्म्ड माय विंटर बॉनफायर विद माय फ्रेंड। ऑनेस्टली फॉर क्लाइमेट चेंज आई थिंक we should maybe keep our hands to ourselves and not touch each other that much. Climate change ki wajah se zyadatar ye hua hai ki bimariyan bahut zyada aayi hain. We were very ill since last week. I was absent for 3 to 4 days. That's a really bad thing kyunki hamari padhai pe bhi effect kiya. जहाँ माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से निजी स्कूल में बच्चों को मालूमात फरहम की जा रही है, वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी सर्दियों की छुट्टी की खूब प्लानिंग कर रखी है, जो यकीनन वालदैन के लिए दर्द सर भी बनने वाली है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सैयदा ज़ीनत समा, कराची।